वेलकम बच्चों, माई सेल्फ राकेश शुक्ला वंस अगेन, 9th स्टैंडर्ड मैथ्स पॉलिनोमियल फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। कभी भी इक्वेशन अगर इस तरीके से क्यूबिक में दिया हो, क्वाड्रेटिक में ना दे करके क्यूबिक में देता है, तो उसमें भी हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। लास्ट टर्म जो आपका होता है, इसको लास्ट टर्म क्या है आपका 2 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म का जो कोफिशियंट वो 1 है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो इस 2 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 आर +1 ±1 एंड ±2, यानी ±1 या ±2 में से सारे भी हो सकते हैं या कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को चेकआउट करने के लिए हम लोग इनमें से कोई भी एक वैल्यू +1 -1 +2 -2 कोई भी एक वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे मैं चलिए देखिए लिख रहा हूँ, बाई ट्रायल मेथड पुटिंग x इज इक्वल टू, यहाँ पे चलिए मैंने +2 रख दिया, ठीक है ना, x इज इक्वल टू +2 मैंने लिया है। आप जो चाहे वो ले सकते हैं, रख के सिर्फ आपको चेक करना है वेदर 0 इज कमिंग और नॉट। तो मैंने यहाँ पे चलिए +2 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग p(2) इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में 2 की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ये देखिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का हो जाएगा 2³ -2 एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स यानी -2 और ये +2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 -2 × 2² यानी 4, और ये देखिए -2 + 2 आप चाहो तो यहीं भी कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 8 - 8, फाइनली यू गॉट 0। इट मीन्स दैट इट शोज व्हाट, दैट x इज इक्वल टू 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इट मीन्स यहाँ पे आप ऐसा लिख पाएंगे इसको, हेंस x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 मीन्स x माइनस 2, इसको आप ऐसे ही तो लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू 2 है तो इसको आप क्या लिख पाओगे, x माइनस 2 ही तो लिख पाओगे। तो हेंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि x माइनस 2 इस p ऑफ x का एक फैक्टर है। अब अगर ये इसका एक फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इस x माइनस 2 को इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, सिंस इट्स अ फैक्टर ऑफ दिस वन, तो इससे क्या होगा, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा इक्वेशन आपका है एक्स क्यूब माइनस 2x² -x + 2, यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस 2, इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म लेके आना होता है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -2x², साइन चेंज करेंगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पूरे के पूरे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, ये सारे टर्म्स को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ये -x + 2 पूरा एक साथ कॉपी कर लिया मैंने। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए -x लेके आना है, यहाँ पे क्या है प्लस एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, -1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x ले आएगा, हमें फर्स्ट टर्म ही लेके आना होता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये आ जाएगा आपका -x, अब -1 - 2 -1 + 1 = 2, ये देखिए साइन चेंज करेंगे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो देखिए -x + x + 2 - 2 ये पूरा कैंसिल हो गया, फाइनली यू गॉट 0। सो इट मीन्स दिस इज योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला जो कि हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, और हम जानते क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपको पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे डिविडेंड की बात करें तो वो आपका कितना है x³ -2x² -x + 2 इज इक्वल टू डिविजर, डिविजर कितना है x माइनस 2, क्वेश्चन कितना निकला आपका x² -1, रिमाइंडर क्या है आपका
जीरो। तो ये देखिए सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया है, डिविडेंड एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसके बाद में आता है आपका डिवीजर, डिवीजर किससे डिवाइड किया हमने, एक्स माइनस टू से किया, क्वेश्चन कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस वन, रिमाइंडर कितना आया जीरो, ये फॉर्मूला आपको पता ही था। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस टू तो ऐसे रहेगा, ये देखिए है एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर आप चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख सकते हो, तो यानी ये फॉर्मेट बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। तो इट मीन्स दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन के प्लेस पर हम चाहें तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, तो यही हो गया आपका आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव, पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू में आपको p of x इक्वेशन दिया गया है, क्यूबिक इक्वेशन, x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। ये देखिए लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस फाइव है। यहाँ पे अगर देखें तो x क्यूब का कोफिशियंट यानी इसका मल्टीप्लायर वन है, फाइव और वन का मल्टीप्लाई फाइव आएगा, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स, यानी कि जो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ फाइव आर प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस फाइव, यानी कि फाइव के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो प्लस माइनस वन या प्लस माइनस फाइव हो सकते हैं, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू हम लोग यहां से पुटअप कराएंगे। तो आइए चलिए इस बार मैं सेलेक्ट करता हूँ बाय ट्रायल मेथड। ये देखिए ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है कि आप जो वैल्यू पुटअप कराओगे कोई जरूरी नहीं कि जीरो आ ही जाएगा, जस्ट ओनली यू हैव टू चेक आउट, जो वैल्यू पुटअप करने से जीरो आ जाए उसी को आपको बेस मान के आगे का प्रोसेस करना होता है। सो बाय ट्रायल मेथड पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस वन पुटअप करेंगे, ठीक है ना। आप प्लस वन प्लस फाइव माइनस फाइव कुछ भी रख के आप चेकआउट कर सकते हैं, जीरो आना चाहिए, आ जाए तो उसी को मानेंगे। तो मैंने x इज इक्वल टू माइनस वन पुटअप किया, तो पुटअप करेंगे तो यहाँ पे देखिए मिलेगा हमें p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, ये देखिए आपका इक्वेशन x क्यूब, इट मीन्स माइनस वन होल क्यूब माइनस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस नाइन माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस फाइव। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो मिलेगा आपको माइनस वन का होल क्यूब यानी माइनस वन आएगा, माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस नाइन वन जा नाइन, और ये देखिए माइनस फाइव, ये आपका हो जाएगा माइनस वन, माइनस थ्री इंटू वन यानी कि माइनस थ्री, और ये देखिए प्लस नाइन और ये माइनस फाइव। इसमें अब क्या कर पाएंगे हम लोग, जितने भी प्लस वाले टर्म्स हैं एक साथ कर लेंगे, तो ये देखिए प्लस वाला टर्म जो है सिर्फ प्लस नाइन है, तो इसको मैंने पहले लिख दिया, माइनस वन माइनस थ्री तो माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, और माइनस फाइव क्या हो जाएगा माइनस नाइन, तो नाइन और नाइन कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली आंसर यू गॉट जीरो। तो यानी कि इट शोज दैट व्हाट, हेंस यहां पे लिखेंगे हेंस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मीन्स व्हाट, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मीन्स दैट एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स प्लस वन इस इक्वेशन का, ये जो क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है इसका एक फैक्टर है, इट मीन्स वी कैन डिवाइड विद दिस वन टू दिस इक्वेशन। तो यहां पे फिर से वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम डिवाइड करेंगे इसको, और डिवाइड करने पे हम डिवाइड करेंगे इसको एक्स प्लस वन से, और अंदर रहेगा आपका डिवीजर जो है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। अब देखिए हमें फर्स्ट टर्म में क्या लेके आना है, एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस वन के साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे प्लस है तो माइनस, अभी देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर था, अभी माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अच्छा अदर टर्म्स हम लोग एक साथ पूरे कॉपी कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती इसमें, माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। अभी क्या करना है आपको,
माइनस फोर एक्स स्क्वायर, देखिए फर्स्ट टर्म अभी यहाँ पे क्या आ गया, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, ओनली एक्स है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो आपको पहली चीज तो यहाँ प्लस भी है, यहाँ माइनस है, तो माइनस लेके आना है, ये प्लस है, तो यानी यहाँ पे पहले माइनस लगाएंगे, यहाँ पे वन है, ये फोर है, तो यानी यहाँ पे फोर लिखेंगे, एक्स और हमें लेके हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर एक्स, 4x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए 4x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस पहली चीज तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4x। ये देखिए साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस होता तो माइनस, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस नाइन प्लस फोर एक्स आंसर विल बी माइनस फाइव एक्स, और ये माइनस फाइव बचा, इसको यहाँ पे कॉपी कर लो आप। अभी आपको क्या लेके आना है, माइनस फाइव एक्स, क्या लेके आना है आपको, माइनस फाइव एक्स, फर्स्ट टर्म लेके आना होता है बस, बैक टर्म्स के आते हैं, पीछे वाले टर्म्स के आते हैं, डोंट वरी अबाउट द सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस फाइव एक्स लेके आना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस फाइव, माइनस फाइव का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस फाइव एक्स, माइनस प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, फाइव वन जा फाइव, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, ये देखिए ये भी पूरा टर्म कैंसिल हो गया, फाइनली यू गॉट जीरो। यहाँ पे फिर से सेम स्टोरी, वी नो दैट क्या जानते हो आप जानते हो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अभी यहां पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर यानी डिवाइड किससे किया था मैंने, एक्स प्लस वन से, तो यहां पे लिखेंगे एक्स प्लस वन, क्वेश्चन्ट आपका आया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका क्या है जीरो, तो जीरो लिख दिया हमने। अब यहां पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा, तो देखिए एक्स प्लस वन फैक्टराइज करके मैं इसको बता दे रहा हूँ, फैक्टराइज इसका फैक्टर कितना आएगा, तो ये देखिए अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव अगर है तो यानी कि ये देखिए इसको हम लिख पाएंगे, पहले तो ए सी फाइव वन जा फाइव, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ से एक्स कॉमन, ये देखिए ये दो एक टर्म, ये दो टर्म एक साथ, x कॉमन लेंगे तो x माइनस फाइव आएगा और यहाँ पे प्लस वन कॉमन लेंगे तो x माइनस फाइव आएगा, तो यानी x माइनस फाइव और ये हो जाएगा x प्लस वन, ये x और ये प्लस वन, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव के प्लेस पर हम चाहे तो x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा x माइनस फाइव और x प्लस वन, ये हो जाएगा। अभी देखिए x प्लस वन टू टाइम है, आप चाहो तो इसको इंसॉल्ट और भी कर सकते हो, x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फाइव, सो दिस इज योर आंसर, यहाँ भी लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे इट्स ऑल्सो राइट।